बोल्डिंग नहीं है, उसके बाद बेंच बेंच नहीं है, बोरा ढूंढना पड़ता है हम लोगों को, गड्ढा है बगल में, बारिश होता है भीग जाते हैं हम लोग। हम अररिया जिला के तरुणा भोजपुर पंचायत के मध्य विद्यालय फेरवाखोरी स्कूल में है। यहाँ पे समस्या है कि चार दीवारी नहीं है और रोड से जो स्कूल का प्रांगण है वो नीचे है। बारिश होने के कारण काफी पानी रहता है और बच्चों को स्कूल आने में, पढ़ाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। चार दीवारी ना होने के कारण माल मवेशी और स्कूल बंद होने के कारण ग्रामीण के कुछ लड़के आकर के काफी कचरा फैलाते हैं और बच्चे को ही साफ करने में दिक्कत आती है। ये समस्या से यहाँ पे 600 बच्चा है कि 10 सालों से परेशान है। ये वीडियो हम इसलिए बनाए ताकि हम भी इसी स्कूल का विद्यार्थी है और यहाँ पे जो पढ़ाई किए हैं हम लोगों को भी इस तरह की समस्या झेलनी पड़ी। कितने में पढ़ाई करती हूँ? 5। और यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है स्कूल में? यहाँ पर जानवर को चराता है, उसके बाद यहाँ पर गंदगी होती है, चार दीवारी होना, लिखा नहीं जा सकता है, उसके बाद याद करना नहीं सकता। गेट नहीं रहने के कारण बाहर में ग्राउंड में बहुत सारे लड़के सब आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। साफ सफाई स्कूल के बच्चे करते हैं फिर भी वो लोग गंदा कर देते हैं आके। और गेट नहीं होने के कारण बहुत से लड़के आते हैं, बस से तोड़ फोड़ कर देते हैं कुछ भी। ये कहेंगे कि नामांकन लगभग 600 के करीब है और शिक्षक हमारे सिर्फ 8 ही हैं। अगर एक भी शिक्षक किसी प्रकार के अवकाश में चले जाते हैं तो विद्यालय जो है ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं चल पाता है, शिक्षक की बहुत कमी है यहाँ पर। हमारे यहाँ दिक्कत ये सबसे बड़ी ये है, चार दीवारी। MDM के बाद बच्चे जो है बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं रुकते हैं क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ है, कहाँ कहाँ घिरे हैं। चार दीवारी जो है इस विद्यालय में अति आवश्यक, बहुत जरूरी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है कंप्यूटर क्लास चल रहा है और जो कंप्यूटर रूम है वो असुरक्षित है। कमरे की भी मजबूती तथा एक नाइट गार्ड की जरूरत है, यहाँ पर किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है। और कंप्यूटर चलाने के लिए टीचर हैं? हाँ टीचर हैं। हाँ बारिश के मौसम में पानी तो जम जाता भी है, कीचड़ भी हो जाते हैं और पूरब तरफ जो है गड्ढा की तरह है, वहाँ पर मिट्टी जो है भराना आवश्यक है। पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं, खुला मैदान है, एक दिन के बाद दूसरे दिन देखने को नहीं मिलता है। कमरे की जो है वायरिंग किया हुआ है, एक दिन करते हैं दूसरा दिन जो उसको तोड़ के लेके चला जाता है। शौचालय की भी वही व्यवस्था है, उसका भी जो है ताला तोड़ करके अपना गंदा कर देता है। मतलब कि महीना महीना में हम ताला बदलते रहते हैं लेकिन किसको पकड़े। रात में तो हम लोग या सवेरे को मॉर्निंग में 5 बजे नहीं आ पाते हैं, क्या करते पहरा करने। ग्रामीण यहाँ पर इस तरह का हरकत करने लगता है, यहाँ पर आ करके है ना दारू शराब भांग इसका भी सेवन करते हैं। और खेलने की जो सामग्री है वो हाँ वो भी प्रयोग होता है। हाँ दीपा राजी साहू हाँ वहाँ पर भी दिए थे। हाँ इधर जो है एक महीना के अंदर ही अप्रैल में भी आवेदन जो है हर विभाग को दिया गया, प्रशासनिक विभाग को दिया गया, शिक्षा विभाग को दिया गया। बच्चे लगभग 350-400 पर डे आ जाते हैं, पढ़ाते हैं कैसे, हेडमास्टर है वो भी क्लास लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि ज्वाइन कर देना पड़ता है क्लास को, बच्चे को वर्ग में बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेंच नहीं है। यहाँ कम से कम जो है 200-300 जो है जोड़ा चाहिए एडजस्टमेंट। ये कितने क्लास के बच्चे को नहीं है उपलब्ध? 1-7 एट विधा ये हो तो विद्यालय के हित में जो भी हमने बोला है उसकी पूर्ति होना चाहिए। भराई पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो जब तक चार दीवारी नहीं हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी करना असंभव है। तो सर आपने कभी लिखित आवेदन अधिकारी? हाँ बिल्कुल लिखित आवेदन दिया गया है।
मैं इस फिल्म को बनाने के बाद टीचर के साथ स्कैनिंग मीटिंग किए और यहीं पे टीचर के माध्यम से ही आवेदन लिखवाए और वहाँ पे शिक्षा अधिकारी रवि कुमार को हमने आवेदन दिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया अगर इस तरह की फंड अगर आता है पैसे तो स्कूल को चिन्हित करके इस स्कूल में मूलभूत सुविधा दिया जाएगा। और उन्होंने इंटरव्यू देने से और फोटो खींचने से मना कर दिया। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यहां की जो समस्या है वो जल्द ही समाधान हो और अधिकारी और अधिक लोगों तक पहुंचे। मैं सीता कुमारी जिला अररिया बिहार से इंडिया अनहट के लिए।